प्रधानमंत्री जहां देश में स्वच्छ और स्वच्छता को लेकर हमेशा चिंतित दिखते हैं, तो वहीं पवई में खुले में शौच करने वाले मजबूर नगर की महिलाएं आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। वैसे आप सोचते होंगे कि आज के इस दौर में डिजिटल युग में खुले शौच अब मुक्त हो गए हैं, लेकिन नगर पालिका पवई की स्थिति ऐसी है कि कई वार्डों में रहने वाले वासियों के घरों में अभी तक शौचालय तक नहीं, जिसके चलते महिलाएं पुरुष बच्चे खुले में शौच को विवश हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। उन्हें समाज की मर्यादा तोड़कर खुले में शौच करना पड़ता है और महिलाओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। वहीं बता दें, खुले में शौच क्रिया होने से गंदगी भी फैलती है, जिसके चलते बीमार होने का खतरा रहता है, लेकिन सरकार के कल्याणकारी जन योजनाएं यहां नहीं पहुंची है और इन लाभान्वित लोगों को अब बाहर ही शौच करना पड़ता है। एक वार्ड से लेकर 15 वार्ड के वासियों के शासन की योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी के क्लीन इंडिया योजना पर यह कहीं ना कहीं सवाल है। पवई नगर पालिका में स्वच्छता के नाम पर चले सभी कार्यक्रम हवा हवाई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत बनाने की योजना को लेकर सरकार करोड़ों का खर्च करती है, लेकिन महज कागजी कार्रवाई ही शौचालय के रूप में की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार तो शौच के लिए जाने के लिए महिलाओं को विवश भी होना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अधिकारी जिस बात की डिंगे हाँकते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर विवश ही नजर आती है, क्योंकि शौचालय के अभाव में लगातार दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी घटती हैं, जिसके चलते स्थानीय तहसील मुख्यालय नगर परिषद पवई में 1 से लेकर 15 वार्डों में शौचालय की व्यवस्था अब तक सुनिश्चित नहीं। नगर को ODF घोषित किया गया, लेकिन कई वार्ड ऐसे हैं जहां नगर के लोग खुले में शौच जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगर को ODF घोषित किया जाना कई सवालों को जन्म देता है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन पर भी सवाल उठाते हैं, जहां पवई प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, लेकिन इस लापरवाही की तस्वीर ऐसी है कि जनता से अपील करेगी तो कैसे, क्योंकि नगर पालिका ने सुस्त रवैया अपना रखा, जिसमें 1 से लेकर 15 वार्डों तक शौच मुक्त करने का अभियान पूरी तरह से फेल है, जहां बच्चे, मजदूर, बच्चे, महिलाएं सभी बाहर शौच जाने को विवश हो। ऐसी तस्वीर पवई से सामने आई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाती है। अब कहां जाना है, बताओ, कहां व्यवस्था ही नहीं है, परेशानी बहुत है। और जैसे 4 बार भी लेट रंग जाना तो वहीं जाना पड़ता है, मैदान में और कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अबे नहीं गाय, हम गाय दो बेर है, गाय भी नहीं सुनाते। अच्छा, तो कौन बाढ़ की हैं आप? 12। अच्छा, नाम क्या है आपका? हसीना। आप भी क्यों साथ में जा रही, क्या आपके यहाँ भी नहीं बनी? हमारे यहाँ नहीं बनी शौचालय। हाँ, तो खुले में जाना पड़ता है। हाँ, बोलो। व्यवस्था नहीं है। हाँ, सब पूरा घर, पूरा परिवार, मोहल्ला, पूरा परिवार जाता है। बच्चियाँ हैं, बराबरी की बड़ी बड़ी हैं तो बेबी जाती हैं, लड़का है तो बेबी जा, पूरा परिवार जा।